हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं विशाल बिंदल और इस कॉलेज में फिजिक्स लेक्चरर होते भी ज्ञान लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास, जिसमें अपने तीन पेपर, जिसमें से अपना थर्ड पेपर स्टार्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में थर्ड पेपर में अपने फर्स्ट टॉपिक है अपना कूलाम लॉ, कूलाम का नियम। जैसा कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, कूलाम का नियम किस लिए प्रयोग किया जाता है। कूलाम का नियम दो बिंदु आवेशों के मध्य बल के लिए बताता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य बल को। जैसे आपके दो पॉइंट चार्जेस है, एक क्यू वन एंड अदर इज क्यू टू, और उनके बीच की डिस्टेंस है स्मॉल आर। तो इन बिंदु आवेशों के मध्य क्या फोर्सेस लगेगा, कितना फोर्स लगेगा, उसके बारे में बताता है। तो अपने इसको कहते हैं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो क्यू वन एंड क्यू टू, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, अर्थात फोर्स एफ वन इज प्रोपोर्शनल टू परिमाण के गुणनफल के Q1 एंड Q2 के गुणनफल के समानुपाती, तथा दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य, दो पॉइंट चार्जेस के मध्य लगने वाला बल उनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, द F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2, और उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात दूसरी इक्वेशन के f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू f 1 अपॉन r स्क्वायर। दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। अगर हमने इसको लिखे कूलाम के नियम अनुसार, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, ठीक है भाई। देखो भाई, कूलाम का नियम क्या कहता है, दो बिंदु आवेशों के लिए बात करता है, दो बिंदु आवेशों के मध्य बल को बताता है। तो कूलाम के नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य आपने टू पॉइंट चार्जेस डिफाइन किए, इसको मैंने नाम दिया फर्स्ट वन को Q1 एंड दूसरे को Q2। तो दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके आवेशों के बल, उन आवेशों के जो आपके आवेश है, आवेश Q1 एंड Q2, आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 एंड Q2। ठीक है, Q1 डॉट Q2, दिस इक्वेशन नंबर 1। तथा उनके मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और उनके मध्य दूरी अपने लिए स्मॉल r, उनकी मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक है, फ्रॉम 1 एंड 2 F is directly proportional to Q1 Q2 upon में R square। अब अगर अपने आपने पिछली क्लासों में पढ़ा हुआ, जहां भी अपने समानुपाती का निशान हटाएंगे तो क्या आता है, एक कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट का नाम दिया जाता है यहाँ K, K Q1 Q2 upon में R square। This is the फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल। यहां जहां आपका k क्या है, जहां k
के क्या आपका समानुपाती ही देगा। देखो भी के की वैल्यू कितनी होती है, के की वैल्यू होती है 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, ये है इसकी यूनिट। के एक क्या है आपका नितांक है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है 9×10⁹। देखो भी यहाँ के को एक अन्य टर्म से भी बताया जा सकता है, के बराबर होता है 1/4πε0, वेयर इज ε0 इज कांस्टेंट, अगेन ε0 इज कांस्टेंट, या इसे बोलते हैं माध्यम की विद्युतशीलता। ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है ε0 8.85 × 10⁻¹⁰ कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये है ε0 की वैल्यू। ये ε0 माध्यम की विद्युतशीलता है, ये आपके मीडियम पे डिपेंड करता है, दो पॉइंट चार्जेस के बीच में मीडियम कैसा भरा हुआ है, दो मीडियम उन पॉइंट चार्जेस के मध्य अगर आपके हवा है तो वैल्यू रखी जाएगी 8.85 × 10⁻¹⁰। ठीक है, अगर मीडियम कुछ और है, मीडियम अगर अपना चेंज हो जाता है तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी चेंज। अगर अपने के को अपने फॉर्मूले में पुट करें, के को क्या करें अपने फॉर्मूले में पुट, देखो भी के को फॉर्मूले पुट करता हूँ मैं, एफ बार इक्वल टू एफ वेक्टर इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। अगर अपने क्या हो ये ε0 सिर्फ पुट किया जाता है हवा के लिए निर्वात के लिए, यदि बिंदु आवेश के मध्य आपके माध्यम उपस्थित हो, माध्यम उपस्थित हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ बार इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन में आर स्क्वायर, ये आपकी आ जाएगी। यहाँ देखो अप्सिलॉन की जगह अप्सिलॉन नोट की जगह अप्सिलॉन आ जाएगा, जहां अप्सिलॉन है इस बार माध्यम की विद्युतशीलता, ये भी यहाँ पे माध्यम नहीं, यहाँ अपने निर्वात बोलेंगे, निर्वात की विद्युतशीलता, और ये हो जाएगी आपकी माध्यम की विद्युतशीलता। अगर इंग्लिश में बात करें तो ε0 इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम एंड दिस इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ओके, देखो भाई अपने फिर से बात कर लेते हैं कूलम्ब के नियम की। कूलम्ब का नियम क्या कहता है, कूलम्ब्स लॉ, ये कूलम्ब्स लॉ दो बिंदु आवेशों के मध्य बल को बताता है। ठीक है, बल कैसा हो, दो बिंदु आवेश अपने Q1 एंड Q2 की बात करते हैं, तो कूलम्ब के नियम अनुसार दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उनके गुणनफल के समानुपाती, देखो इनके परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, ये लिख दिया दो बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती, तो आपके आवेश थे Q1 Q2 उनके गुणनफल के समानुपाती, दिस इक्वेशन नंबर 1। तथा उनके मध्य दूरी, दूरी अपने को जिसके नाम दिया अपने r, तो दूरी के वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती f प्रोपोर्शनल टू 1/r2, दिस इक्वेशन नंबर 1, दिस इक्वेशन नंबर 2। अपने दोनों इक्वेशन एक साथ करें तो f प्रोपोर्शनल टू जो Q1 Q2/r2, आपको पता है जब भी प्रोपोर्शनल टू का साइन हटता है, समानुपाती हटता है तो एक कांस्टेंट आता है, तो अपना कांस्टेंट आया k, f बराबर आपकी वैल्यू आ गई k Q1 Q2/r2, जहां k क्या आपका समानुपाती नितांक। इस k की वैल्यू की बात करें तो k की वैल्यू होती है 9×10⁹ 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। ठीक है, ये थी आपका k का मान, ये न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर इसकी यूनिट। अगर अपने k को एक अन्य टर्म में परिभाषित करें, k बराबर होता है 1/4πε0, जहां ε0 4π के बारे में आप जानते हो, ε0 होता है निर्वात की विद्युतशीलता, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻¹⁰ कूलम्ब स्क्वायर अपॉन में न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, अगर ये क्या है, दो बिंदु आवेश के मध्य अगर आपके निर्वात उपस्थित है, हवा उपस्थित है, तो अपने बात करते हैं ε0 की। यदि अपने निर्वात ना होकर दो बिंदु आवेश के मध्य कोई मीडियम प्रेजेंट हो, तो मीडियम की जगह अपना क्या रखते हैं अप्सिलॉन, तो 1/4πε0 Q1 Q2/r2, जहां अप्सिलॉन क्या होती है आपकी माध्यम की विद्युतशीलता होती है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।